नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8 चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण पृथ्वीची गोष्टची काय घेते आपण रिव्हिजन घेत आहे। ओके, तर रिव्हिजनचा आपण पहिला जो हे होता काय म्हणते त्याला पहिला जो पार्ट होता म्हणजे याचा आधीचा जो व्हिडिओ गेला तुम्हाला प्रीवियस व्हिडिओ रिव्हिजनचा प्रीवियस व्हिडिओ जो गेला त्याच्यामध्ये आपण काय केलं की ब्रह्मदेवाने कोणकोणती म्हणजे पहिले त्यांनी आकाशगंगा निर्मित केली, त्यानंतर त्यांनी काय केलं त्यानंतर त्यांनी सृष्टी निर्मित त्यांनी आकाशगंगा निर्मित केली, त्यावेळेस त्यांना म्हणजे खूप चांगलं हे आलं आणि यश आलं। त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं मग सृष्टीची निर्मिती करणं स्टार्ट किया। ज्यावेळेस त्यांनी सृष्टीची निर्मिती केली त्यावेळेस त्यांना खूप प्रयत्न करावे लागले, खूप कष्ट करावे लागले, आपलं त्यांनी सर्व स्किल डेव्हलप केलं त्याच्यामध्ये, सर्व ओतलं त्याच्यामध्ये, जीवापाड मेहनत केली त्यांनी त्याच्यामध्ये आणि काय झालं मग सृष्टी निर्माण झाली। अभी जो हम जो रह रहे हैं वही सृष्टि निर्मित की। और सृष्टि की निर्मित में क्या क्या किया उन्होंने, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस लिखे कुछ कुछ लोगों ने, वो जो पहला ही पैराग्राफ इट मीन्स आई मीन पेज नंबर 8 पे ही वो सेकंड पैराग्राफ में पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा आंसर है उसका कि उसने ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की निर्मित कैसे की करके। त्यांनी काय केलं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगाने के बाद उसमें लता मतलब वेली फूल उससे काय से सजाए, फूलों फलों से सजाए, फूलों फलों से सजाए। उसके बाद उन्होंने जलचर प्राणी बनाए, पानी जो जलचर यानी उभयचर जलचर दोनों प्राणी कीटकनाशक कीट के पशु पक्षी बनाए, उस उनको अलग अलग स्कीम के मतलब अलग अलग उनको वेशभूषा दी, उसके बाद उनको अलग अलग क्या बोलते आवाज दिए, उनको गंध दिया सुगंध दिया, उसके बाद क्या किया उन्होंने यानी ये सब उन्होंने इतने सोच सोच के क्या की सृष्टि की निर्मिति की। अब उन्होंने जब सृष्टि की निर्मिति के तब तक कुछ भी नहीं सोचा था कि ये मैं सृष्टि कहाँ रखूँगा क्या करूँगा। जब वो कंप्लीट हो गई तब उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि अभी इतनी सुंदर मैंने सृष्टि बनाई हूँ बनाया हूँ तो ये सृष्टि मुझे किसी के अच्छे ग्रह के पास देना है। इसलिए वो इसी विचार चक्र में वो क्या हुआ स्वर्ग से बाहर निकले यानी स्वर्ग से सौरमंडल में निकल आए। तो सौरमंडल में जब वो बातों बातों करते करते सूर्य के साथ जब बात कर रहे थे तब उन्होंने अपनी ये क्या बताई कि ऐसी सृष्टि मैंने निर्मित की हूँ, इसमें इतने सारे ऐसे प्रकार है, ये है वो है, यानी उन्होंने सृष्टि की बहुत ही मतलब अच्छे से उनको जानकारी दिए। और ये जो जानकारी और ये जो सृष्टि इतनी सुंदर है ऐसे ब्रह्मदेव ने जब बताया तब सौरमंडल के सभी ग्रहों को ऐसा लगने लगा कि ये सृष्टि हमारे पास रहना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ तक हुआ था मतलब प्रीवियस वीडियो, अब इसके बाद क्या होता है ये अब हम देखेंगे। ओके, देखिएगा पहले कुतूहल वाटले आणि ब्रह्मदेवाची अनमोल सृष्टी आपल्याजवळच असावी असं प्रत्येकाला वाटू लागलं। ओके, त्याच्यानंतर काय झालं बघा, बुधग्रह म्हणाला ही सृष्टी माझ्याजवळ ठेवा कारण मी सूर्याच्या सर्वात जवळ आहे। गुरु म्हणाला मी या सर्व ग्रहामध्ये मोठा आहे, मोठ्या भावाचे खास अधिकार असतात म्हणून सृष्टी बाळगण्याचा अधिकार आपण मलाच द्यावा। त्याच्यानंतर शनिग्रह म्हणाला की माझ्याभोवती काय कडी आहे, तर कडी असल्यामुळे काय होईल हा जो ही जी सृष्टी आहे म्हणजे त्यामुळे मीच सर्वश्रेष्ठ आहे आणि ही सृष्टी मलाच द्यावी असं त्यांनी सांगितलं। इसके बाद प्लुटो हा ग्रह म्हणाला मलाच ही सृष्टी मिळावी कारण मी या तापट आणि अतिउष्ण सूर्यापासून खूप लांब आहे। प्रत्येकाचे मत ऐकून ब्रह्मदेव गोंधळात पडले, ग्रहामध्ये परस्पर भांडणे नको म्हणून त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही केला आणि म्हणाले मी आता फक्त पृथ्वीचे मत ऐकून घेईन आणि माझे समाधान न झाल्यास मी दुसरी एखादी जागा पाहण्यासाठी निघून जाईल। त्याने जैसे की ब्रह्मदेवने आपले सृष्टी के बारे में सभी ग्रह को बोला की ऐसी है वैसी है इसमें ये है वो है यानी उसके बाद सब ग्रहों को ऐसा लगने लगा कि सृष्टि हमारे पास रहना चाहिए। तो पहले सबसे पहले किसने बोला, बुध ग्रह ने बोला कि मैं सूरज के बहुत नजदीक हूँ
इसलिए सृष्टि मेरे पास रहना चाहिए। उसके बाद गुरु ग्रह बोले, ये जो सृष्टि है, सॉरी, मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे क्या चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूँ और बड़े भाई के कुछ अधिकार रहते हैं खास, आपको भी पता है सबसे बड़े की सभी बात मानते हैं ना। तो वैसा ही वो बुध ग्रह, सॉरी गुरु ग्रह बोलने लगे कि मुझे, मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे बड़े से मतलब बड़ा होने के वजह से मुझे कुछ खास अधिकार है और इसीलिए सृष्टि क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए। उसके बाद कौन आया, बुध हुआ, बुध हुआ, गुरु हुआ। अब बुध को क्या बोलते हैं, मरकुरी, जुपिटर यानी गुरु है ना। उसके बाद आया शनि ग्रह, शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि ग्रह माझ्या भोवती कड़ी आहे त्यामुळे मी सर्वश्रेष्ठ ठरतो, यानी शनि ग्रह बोलने लगा कि मेरे पास क्या है, कड़ी है, इसलिए मुझे ही क्या चाहिए, सृष्टि मेरे पास चाहिए और मैं क्या हूँ, मेरे पास कड़ी है और इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मेरे पास ही क्या चाहिए, क्या चाहिए, सृष्टि मेरे पास रहना चाहिए। और उसके बाद आया प्लूटो ग्रह, प्लूटो, प्लूटो ग्रह बोलने लगा कि लघु ग्रह म्हणाला, मलाच ही सृष्टि मिळावी कारण मी या तापट आणि अतिउष्ण सूर्यापासून खूप लांब आहे, इट मीन्स मैं सूरज से बहुत दूर हूँ और सृष्टि, और मैं तापट मतलब उष्ण भी नहीं हूँ, तप्त भी नहीं हूँ, इसलिए ये जो सृष्टि है ये सृष्टि मेरे पास चाहिए। यानी ब्रह्मदेव को, जैसे ही ब्रह्मदेव ने उनकी बात कही वैसे ही ब्रह्मदेव को सभी जन यानी सब ग्रह अपना अपना मत देने लगे कि मेरे पास दो, मेरे पास ये है, मेरे पास दो, मेरे पास वो है, ऐसा सभी ग्रह अपनी विशेषताएं बताने लगे और ब्रह्मदेव को बोलने लगे कि ये जो सृष्टि है ये हमारे पास दो करके। ओके, जहाँ तक समझ में आया, म्हणजे त्यांनी सर्वांनीच काय सांगितलं, म्हणजे ब्रह्मदेवाने जेव्हा त्यांना सांगितलं की मी अशी सृष्टीची निर्मिती केली आहे, मला इतकं मेहनत लागलं, मी इतकं सुंदर सृष्टी बनवली आहे, तर ब्रह्मदेव म्हणाले, मग असं बोलता बोलता सूर्यमालेत जेव्हा, तर सूर्यदेव म्हणाला की ती सृष्टी काय ठेव, माझ्याजवळच असायला पाहिजे, कारण असं त्यांना वाटलं सूर्याला। मग त्याच्यानंतर बुधग्रह म्हणाला की मी सूर्याच्या अगदीच जवळ आहे, त्याच्याने सृष्टी माझ्याच कडे हवी। त्याच्यानंतर गुरुग्रह म्हणाला की गुरु कोण, जुपिटर म्हणाले की मला, मी सर्वात मोठा आहे आणि मोठ्या भावाचे काही खास अधिकार असतात, आपण पाहतो ना घरात जे मोठे असतात त्यांचं सर्वजण म्हणजे म्हणणं ऐकतात, तर तसंच तो गुरुग्रह म्हणाला की मी सर्वात मोठा म्हणजे ग्रहात मोठा असल्याच्याने मला ही सृष्टी माझ्याजवळच असायला हवी। त्याच्यानंतर म्हटलं कोण, मग आला शनिग्रह, शनिग्रह म्हणतो की माझ्याजवळ काय अशी कडी आहे, त्याच्याने सृष्टी म्हणजे मी सर्वश्रेष्ठ आहे त्यामुळे मीच सर्वश्रेष्ठ ठरतो, माझ्याकडे कडी आहे म्हणून मी सर्वश्रेष्ठ ठरतो आणि त्यामुळे सृष्टी जी आहे ती माझ्याजवळ असायला हवी। त्याच्यानंतर मग प्लूटो ग्रह म्हणाला की मला सृष्टी द्या कारण मी सूर्याच्या जवळही नाही आहे, नाही माझं माझ्यातलं वातावरण तप्त आहे म्हणजे उष्ण नाही आहे, अतिउष्ण पण नाही आहे, त्याच्याने सृष्टी ही माझ्याजवळच द्या असं ते म्हणाले। आणि हे सर्व कोण ऐकत होतं, ब्रह्मदेव ऐकत होते। आता याच्यानंतर आपण बघू का होते ते, प्रत्येकाची मते ऐकून ब्रह्मदेव गोंधळात पडले, म्हणजे ते पझल झाले की हा तो म्हणतो, तो म्हणतो, तो म्हणतो, असं ऐकून ते पझल झाले। ग्रहामध्ये परस्पर भांडणे हो नकोत म्हणून त्यांनी हस्तक्षेप केला, हस्तक्षेप केला म्हणजे मध्ये पडले है ना। आणि उनको लगा की अभी सबको लग रहा है कि मेरे पास ये सृष्टि चाहिए करके, पर ऐसा ऐसे न होते, मतलब ऐसा ऐसे से सभी ग्रह में आपस में क्या होंगे, झगड़े होंगे,
ये झगड़े नहीं चाहिए, इसलिए ब्रह्मदेव खुद होके उनके बीच में बोले। और क्या बोले कि देखो क्या बोले, तभी मी आता फक्त पृथ्वीचे मैत्री ऐकून घेईन आणि माझे समाधान न झाल्यास त्याच्याकडे दुसरीकडे मी जागा शोधायला निघून जाईन। आणि मैं अब सिर्फ पृथ्वी का कहना, पृथ्वी का कहना सुनूंगा। अगर उसमें भी मेरा समाधान नहीं हुआ, मुझे समाधानकारक आंसर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, अदर कहीं मतलब कहीं और जाऊंगा सृष्टि को देने के लिए किसी ग्रह के पास। अब पृथ्वी के पास आने के बाद पृथ्वी क्या बोलती है अभी देखेंगे। पृथ्वी अत्यंत शांतपणे नम्रपणे म्हणाली, देवादि देव आमच्या सूर्यकुलात कुटुंबात बुधापासून नेपच्यून पर्यंत सर्वच जण पुरुष आहे, मात्र मीच एकटी स्त्री आहे। मातेच्या हृदयाने मातेच्या ममतेने या सृष्टीतील सर्व जीवांचे संगोपन मी नीट करू शकेन असे मला वाटते। शिवाय जगण्यासाठी आवश्यक असे वायू पाणी अशा गोष्टीही आपल्या आशीर्वादाने माझ्याकडे पुष्कळ आहे। बुधासारखी मी सूर्याच्या जवळ नाही म्हणून ती मी भाजून करपून जात नाही। प्लुटो सारखी मी सूर्यापासून खूप दूर नाही म्हणून मी काय करते म्हणून मी गारठून जात नाही, गोठून जात नाही। माझ्याजवळ आवश्यक असे उबदार वातावरण आहे। शिवाय माझ्याजवळ सृष्टीतील साऱ्यांचे संरक्षण करू शकेल अशी ओझोनची छत्री आहे। त्यामुळे या सृष्टीच्या जबाबदारी माझ्यावर सोपवा, असा अधिक त्रास न घेता वनवन न करता निश्चित मनाने स्वर्गातून जाऊन विश्रांती घ्या। अब सभी का मैखाना ब्रह्मदेव ने सुन लिया था। लास्ट में सिर्फ पृथ्वी बची थी। पृथ्वी को जब ब्रह्मदेव पृथ्वी के पास आए तब पृथ्वी ने नम्रपणे मीन्स आदर ले अने उसने आदर तिथ्य के साथ ब्रह्मदेव को आदरातिथ्य किया। और उसके बाद वो बोलने लगी कि हे देवादिदेव, हे ब्रह्मदेव, ये क्या है, अभी जैसे सूर्यमंडल में बुध से लेकर कहाँ तक, नेपच्यून तक, बुध से लेकर नेपच्यून तक सभी क्या है, सभी ग्रह जेंट्स है। मैं अकेली ही स्त्री हूं और स्त्री का हृदय ममता से प्यार से भरा हुआ रहता है। और या फिर मेरे पास मतलब और भी है, क्या है, मेरे पास पानी है मुबलक प्रमाण का, मेरे पास जैसे उबदार वातावरण है, मेरे पास प्राणवायु है, मेरे पास ये सब। और मैं माँ के हृदय से, माँ के प्रेम के से मैं सभी जीवों का क्या करूंगी, अच्छे से संगोपन करूंगी, अच्छे से जपोनुक करूंगी, अच्छे से नीट उनकी व्यवस्था करूंगी। ऐसा जब ब्रह्मदेव को सृष्टि ने मतलब सॉरी पृथ्वी ने बताया। और फिर मेरे पास और एक है, कौन, ओजन की शक्ति, मीन्स बैलेंस रखने के लिए, वातावरण का बैलेंस रखने के लिए। ये जो ओजन का वायु बोलते ना वो रहता ही है। अभी जो हम जो जैसे हमारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि प्रमाण का है, प्राणवायु वृद्धि प्रमाण का, इसका अगर एक ज़्यादा हुआ तो हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो हमको श्वसन के प्रॉब्लम या वो होते हैं ना। तो ये जो है मतलब ये बैलेंस रखने के लिए मेरे पास ओजन की क्षत्रि है। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ब्रह्मदेव को वो बोलने लगे कि मेरे पास सभी चीज़ है, क्या मैं एक माँ के हृदय से माँ के प्रेम से मैं सभी का संगोपन करूँगा। सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है उस सभी का क्या करूँगी, संगोपन करूँगी, अच्छे से उनकी व्यवस्था करूँगी। और उस और मेरे पास पानी है, उबदार वातावरण है ना, और क्या है, और सबसे ज़्यादा मेरे पास ओजन की क्षेत्री है, ताकि वो वातावरण का बैलेंस रखने के लिए जो वायु का कंट्रोलिंग जो करती है वो वायु मेरे पास है। ऐसा ब्रह्मदेव को उन्होंने समझा के बताया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है देखिएगा। अब उन्होंने बोले कि ब्रह्मा, फिर किसने बोला, पृथ्वी ने बोला कि तुम अभी किसी मतलब वन वन मत करो, यानी कष्ट मत करो, इधर उधर मत जाओ,
सृष्टि मेरे पास सौंप दो और आप ये दिव्यनाय से अपने स्वर्ग में जाके विश्रांति कर लो, यानी चैन की नींद ले लो, ऐसा वो कहना चाहती है। ब्रह्मदेवाला पृथ्वी से भरने पटले, जो बोल रही है ये ब्रह्मदेव को उनकी जो अदर जो ग्रह थे उसके मान से पृथ्वी ने अच्छे से उनको समझाई थी, इसलिए उनका जो कहना था पृथ्वी का वो ब्रह्मदेव को समझ में आ गया। मातेच्या ममतेने संगोपन करण्याची आणि जबाबदारी घेण्याची पृथ्वीची तयारी पाहून ब्रह्मदेव पृथ्वीवर प्रसन्न झाले। अखेरीस ब्रह्मदेवाने निर्णय पक्का केला आणि अत्यंत मेहनतीने कुशलतेने बनवलेली जीवसृष्टी पृथ्वीच्या ताब्यात दिली आणि देव निश्चित मनाने स्वर्गाकडे रवाना झाले। आणि ब्रह्मदेवने फिर सभी मतलब उसके जो भी मतलब जो भी उन्होंने समझाए थे ब्रह्मदेव की, उनका मन कहना समझ में आया कि नहीं, ये जो बोल रही है वो सही है और ऐसी ही ग्रह के पास मुझे सृष्टि सौंपना चाहिए, मतलब देना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मदेव को उनका जो कहना था वो बिल्कुल समझ में आया और उसके बाद उन्होंने लास्ट में निर्णय लिया कि नहीं, ये जो सृष्टि है मैं पृथ्वी को सौंपता हूँ और अच्छे से अपने निवांत होके निश्चिंत होके मैं अपने स्वर्ग में लौटता हूँ, ऐसा उन्होंने लास्ट में निर्णय लिया। आया समझ में? देखिएगा अब मैं जैसे मराठी में वातक बताई थी उसके बाद बताती हूँ। ब्रह्मदेवाला पृथ्वी आपलं म्हणणं सांगतच होती कि माझ्याकडे उबदार वातावरण आहे, माझ्याकडे मुबलक प्रमाणचं पाणी आहे, माझ्याकडे ओझनची छत्री आहे, म्हणजे मी असं मी एकटीच अशी आहे की माझ्याजवळ आईचं हृदय आहे, मी सर्व म्हणजे बुधापासून नेपच्यूनपर्यंत जेवढे काही ग्रह आहे ते सर्व जेंट्स आहे, मग पुरुष वर्ग आहे, मी एकटीच अशी आहे की पृथ्वी, मी एकटीच स्त्री वर्ग आहे, त्याच्याच आणि माझ्याकडे मातेचं म्हणजे आईचं म्हण आहे, माझ्याकडे आईच्या मनाने आहे, तुमच्या जेवढी काही सृष्टी तुम्ही निर्माण केली त्या सर्वांचे जीवजंतूचं मी काय करेल, संगोपन करेल आणि चांगल्या रीतीने त्यांची जोपासना करेल, माझ्याकडे पाणी सुद्धा मुबलक प्रमाणचं आहे, माझ्याकडे ओझोनची छत्री आहे, हे सर्व ती ब्रह्मदेवाला पटवून देत होती आणि ही पटवता पटवता ब्रह्मदेवाला तिचे म्हणणे पटले, पृथ्वीचे म्हणणे पटले आणि ब्रह्मदेवाला असं वाटलं की इतर जे ग्रह आहे त्यापेक्षा पृथ्वी सर्वात चांगली आहे, कारण ती मातेच्या ममतेने म्हणजे आईच्या हृदयाने ती काय करेल, या सृष्टीचं संगोपन करेल, चांगल्या प्रकारे तिची जोपासना करेल आणि म्हणूनच ब्रह्मदेवाने एक निर्णय घेतला आणि सृष्टी पृथ्वीच्या स्वाधीन केली आणि स्वतः निश्चिंत होऊन स्वर्गाकडे गेले। आला लक्षात? आया ना समझ में इतना पूरा आपको? ओके, अभी हमने जो मतलब पहले वीडियो में और ये सेकंड वीडियो में, ये दोनों वीडियो में हमको हमने आपको पूरा लेसन समझा दिया, सारांश समझाया है ना, पूरा पढ़ के समझाया बट हमने सारांश समझाया कि उस लेसन में क्या है ना, जो आप लोग लिख अभी आपकी जो नोटबुक्स आए उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चंस तो मुझे दिखे नहीं, बहुत कम जनों बहुत लोग कम लोगों ने लिखे है। लॉन्ग क्वेश्चंस लिखो क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक आने वाला है, 15 मार्क के क्वेश्चंस है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, और जो किसी किसी ने सावतामणि के जो पहला वाला क्वेश्चन है अभंगात उनका ये गेला, आपके पास पुराने बुक्स होंगे उसमें से लिख लो या फिर किसी दोस्त भाई को अपने मांगो, या फिर मैंने आपके इसमें पहले PDF भेजा था वो देख लीजिएगा, उसमें से सब लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा। ओके, वो लिख के अपने बुक्स कंप्लीट करिएगा और ग्रामर पोर्शन का जो लोग नहीं लिख रहे हैं उसके मार्क्स काटे जाएंगे, अंडरस्टैंड? ग्रामर पोर्शन मैंने इतने अच्छे से वीडियो दिया आप लोगों को, वीडियो के लिए मैंने इतना टाइमिंग दिया है, आई थिंक उसमें लिखने के लिए टाइमिंग दिया है, आप लोग पूरा पिछले वाले वीडियो देखो, सर्च करो अपने आप मिल जाते हैं वीडियो यूट्यूब में, और उसमें से देख देख के आप पूरी नोटबुक्स कंप्लीट करो। ओके, समझ में आया? क्योंकि ये देखो जैसे ये रिवीजन है उसके बाद आपका 14 तारीख को ही पेपर है, अंडरस्टैंड? आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी है पेपर उसी दिन है और जो MCQs वाला जो क्वेश्चंस है पेपर है वो भी उसी दिन है, इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, इसीलिए मैं रिवीजन दे रही हूँ आपको दो दो बार।
सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।